हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम स्प्रिंटर्स पर। और आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव्स, तरंगे, जो कि किसी भी एग्जाम में, खासकर रेलवे, एसएससी, यूपीपीसीएस में जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें ये तरंग वाला भाग आता है। और ये दो तीन तरीके से पूछा जाता है। कहीं पूछ लेगा तरंग दैर्ध्य पूछ लेगा, कहीं पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, कहीं पूछ लेगा कि जो है कौन सी अनुप्रस्थ है, कौन सी अनुदैर्ध्य है। तो ये कन्फ्यूजन आज हम दूर करते हुए और इसको हम विथ ट्रिक याद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इसके डायमेंशन होते हैं उन डायमेंशन को कवर करते हुए हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले, आपको चैनल पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक शेयर तो बनता है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वेव्स क्या होती हैं। वेव्स यानी तरंगे आप दिन में महसूस करते होंगे, या कोई अभी हम बोल रहे हैं तो ये आवाज़ सुन रहे हैं, या आपके पास लाइट आ रही है, या आप टॉर्च जलाते होंगे या बल्ब जलता होगा। तो ये डेली लाइफ में, साइंस का मतलब ही है प्रैक्टिकल और इन डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं उसके बारे में, तो वही सब एक फॉर्म है वेव की। और वेव दो प्रकार की होती हैं, एक तो यांत्रिक तरंग होती हैं जो मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और एक नॉन मैकेनिकल या अयांत्रिक। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यांत्रिक वेव। अयांत्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिनमें हम आप सुनते होंगे कि जो हम श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे या प्रासरव्य तरंगे, ये सब तरंगे आती हैं। और हम यहाँ पे अब देखेंगे यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव। तो उसमें आती है दो टाइप की, एक आती है ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ, और एक आती है लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य। दो प्रकार की ये तरंगे होती हैं। और ये जो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं। आप सुने होंगे ऑडिबल, जो हम सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे, या अल्ट्रासोनिक वेव, जो हम क्या कहते हैं कि हम नहीं सुन सकते, और एक होती है इंफ्रासोनिक वेव। तो ये टाइप्स ऑफ वेव हैं। हाइपरसोनिक भी होती हैं और भी होती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये मैकेनिकल वेव। आपने एक पत्थर लेके कभी नदी में ज़रूर मारा होगा। तो नदी में जब आप मारे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि पानी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो उछाल आते हैं, वो भी एक प्रकार का वेव है, जो हम डेली लाइफ के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। वहाँ पे हम अनुप्रस्थ तरंगे भी देखते हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे भी देखते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा और इधर नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, और मैकेनिकल वेव के इन दोनों के बारे में डिफरेंस, कि जो मैकेनिकल वेव होती है इसमें हमें नीड होती है मीडियम की, मीडियम यानी माध्यम की, यानी कि इसको ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होगी, इसको ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। ये आप बेसिक डिफरेंस समझें, बाकी आप जो साइंस पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से आप पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, आप जब किसी, ये मान लीजिए तालाब है, इसमें पानी भरा है, तो इसमें आप पत्थर मारेंगे तो जो ये वेव्स उठती हैं, तो ये कहीं कहीं दोनों का एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अब अनुप्रस्थ के कुछ एक एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लाइट्स, जितनी लाइट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स जो होती हैं, और एक्सरेज, ये आप इंफ्रारेड भी ले सकते हैं, ये सब हैं। और यहाँ लॉन्गिट्यूडनल में हम साउंड को देखते हैं, साउंड जो साउंड है हमारा, वो हमारा अनुदैर्ध्य है। और इसके बारे में हम देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इनमें से, इन दोनों में से कौन कौन सी तरंगें जो ध्रुवित की जा सकती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि लाइट, एक्सरेज, या यूं कह लीजिए कि सारे जितने अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो पोलराइज्ड की जा सकती हैं। मतलब ये अगर वेव चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो इस पर हम इसको पोलराइज्ड कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं। मतलब इसका पोल हम किधर भी बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब इसका कोई पोल एक्चुअली में, जैसे आप ऐसे चल रहे हैं, ध्रुवित का मतलब ये होता है, जैसे कि हम, आप मान लीजिए कि नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, हमारा अर्थ है, तो हम इसका पोल इधर भी कर सकते हैं, इसका इधर, मतलब हम इसका पोल डिसाइड कर सकते हैं, और पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुवित किया जा सकता है। और वहीं पे हम अनुदैर्ध्य तरंगों को हम ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एक हम एग्जांपल देखते हैं, और ये सब वेव्स को हम मैकेनिकल वेव जो होती हैं, तो उनमें की जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, इनको हम इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, मतलब उसमें करंट भी होगा और चुंबक भी होगा। तो आप ये भी साथ मान सकते हैं कि जहाँ करंट होता है वहाँ चुंबक होता ही है। इसको सबसे पहले फाइंड किया था किसने, मैक्सवेल ने। ये भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, मैक्सवेल ने खोजा था। और उन्होंने कितनी तरंगे खोजी थी, उन्होंने 8 तरंगे, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगे 8 खोजी थी, ठीक है। और ये सारी तरंगें, इनके बारे में, ये चार्जलेस होती हैं, मतलब इन पे कोई आवेश नहीं होता है, मतलब क्यू मतलब चार्ज, आवेश नहीं होता है। और ये आपने कूलाम पढ़ा होगा, तो इनकी यूनिट क्या होती है, ये कूलाम के बराबर होती है, जनरली सी के बराबर होती है।
तो इन हम 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जरा देखते हैं। तो वो ये है हमारी, पहली है कॉस्मिक, फिर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये हमारी वेव हैं, 8 वेव हैं, 8 ये हैं जो हम देख सकते हैं, वो विजिबल है हमारी, मतलब दृश्य इसको कहते हैं। उसके बाद जो आप इंफ्रारेड रिमोट वगैरह में यूज करते हैं, माइक्रोवेव जो आप खाना वगैरह गर्म करने के लिए यूज करते हैं, फिर रेडियो आप जो रेडियो सुनते हैं, अल्ट्रावायलेट जो हमारी वहाँ विजिबल से इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसकी जो ऐसा होता है इसमें हम थोड़ा सा बनाते हैं, आप ऐसे देखिए इसको, ये हम एरो बनाते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी बात करें, फ्रीक्वेंसी को आप समझ लीजिए कि भेदन क्षमता, आप थोड़ा सा इसको एक पिक्चर से हम समझाते हैं। आप यहाँ देखिए, आप अल्फ़ा बीटा एक्स रे गामा, तो इसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो उतना भेद कर मतलब पार कर सकती या पेनिट्रेट कर सकती है, या मतलब जैसे आप मान लीजिए ये पेपर है, तो अल्फ़ा रेज होती है वो पेपर से टकरा के वापस आ जाएगी, यानी पेपर को नहीं पार कर पाएगी। बीटा जो किरण होती है, बीटा रेज होती है, तो पेपर को पार कर जाएगी, बट एक पतली प्लेट जो होती है लकड़ी की, उसको पार नहीं कर पाएगी। एक्स रे क्या होती है कि हम पेपर को भी, लकड़ी को भी, और क्या कहते हैं कि एक जो ये फंसेगी यहाँ आके एक लोहे के टुकड़े पर, या हम कह लीजिए जैसे हमारे शरीर में एक्सरे कराया जाता है, तो वहाँ पे हमारे शरीर को भी ये भेद जाती है। गामा रेज होती है तो पेपर, लकड़ी, लोहा, और उसके बाद ये वाटर के कंक्रीट पे नहीं पार हो पाती है। न्यूट्रॉन जो होती है वो आप देखेंगे कि ये भी नहीं पार हो पाती है। आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि ये जो गामा रेज है, एक्स रेज है, ये आयरन के, स्टील के जो चद्दर होती है उसको दोनों ही नहीं पार कर पाती, जबकि न्यूट्रॉन होता है वो पार कर जाता है लोहे को भी, लेकिन वो वाटर बॉडी के जो कंक्रीट होती है वहाँ पे फंस जाता है। तो अभी आपको हम बताते हैं कि अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये आप लाइन देख रहे हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी ये होती है कि जितना छोटा 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 छोटा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब जितना छोटा छोटा रहेगा वो पार करने में आसानी होगी, यानी इसकी पावर बढ़ गई है। और तरंग दैर्ध्य जो होता है इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। मान लीजिए ये है, तो ये पॉइंट से, ये पीक पॉइंट से पीक पॉइंट की दूरी, या यूँ कह लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, एक हम वेवलेंथ कहते हैं तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लैम्डा से बताते हैं। तो जितनी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, आप खुद ही सोचिए कि तरंग दैर्ध्य ये वाली डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने बताया कि जितनी नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो ये इसका होता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/λ, या हम लैम्डा बराबर 1/f, ये एक रिलेशन भी होता है और क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। और ऐसे इसका यूनिट भी डिसाइड कर सकते हैं कि लैम्डा की यूनिट होगी हर्ट्ज इनवर्स, यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज इनवर्स। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जो विजिबल होती है, विजिबल को हम लोग देखते हैं एंगस्ट्रांग में, अगर आप जानते हो तो आप यहाँ पे अपना देख लीजिएगा बुक में, फिलहाल हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको पूछता नहीं है, बस विजिबल। अब ये पूछता है, ऑर्डर पूछ सकता है, तो आप याद रखिए कि विजिबल से अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएँ, ठीक है, जैसे इंफ्रारेड के आप रिमोट के आगे हाथ लगा दीजिए तो वो नहीं जाएगा, फिर माइक्रोवेव आप उसमें देखते होंगे चाय वगैरह कप में रख के गर्म कर सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हम रेडियो सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे अल्ट्रावायलेट जो कि हम ओजोन परत का नाम सुने होंगे कि वहाँ से आती है, ओजोन परत हमें उससे बचाती है, तो वो अल्ट्रावायलेट ये खतरनाक होती है। एक्स रेज हमारे शरीर में घुस के हड्डियों को चेक कर लेती है, मतलब बता देती है ढांचे। एक अल्फा सॉरी ये गामा रेज जो है, गामा किरण, ये और भी खतरनाक होती है। कॉस्मिक जो हम ब्रह्मांड में वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर हम विजिबल लाइट की देखें, तो इसमें जो आप विवग्योर 7 रंग सुने होंगे, तो ये विजिबल है। फिर जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ते जाते हैं, एक्चुअली में उसका यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है कि वहाँ पे हम इंफ्रारेड इधर था लेकिन यहाँ है, तो जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट है तो इसमें चश्मा लगाने की ज़रूरत होगी, तो वैसे वैसे देखिए आप फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, मतलब नज़दीक नज़दीक पास पास आते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, फिर वैसे इधर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इधर वेवलेंथ कम होगा, और इधर वेवलेंथ बढ़ेगा इधर फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये आप याद कर सकते हैं, चाहे तो नोट्स बना लीजिए। और फिर अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे देखिए विभिन्न किरणें और उसके खोजकर्ता जो पूछता है, शायद आप रेलवे के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम में तो बहुत ही पूछता है, तो उसमें हमने कुछ ट्रिक बनाई है। उसमें जैसे लघु तरंगे, गामा तरंगे, एक्स रेज, अवरक्त, दीर्घ, परावैगनी और दृश्य, तो ये वही तरंगे हैं, बस इनको हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो माइक्रोवेव्स हैं, ये लघु तरंगे, ये इसको हर्ट्ज ने खोजा था,
आप देख सकते हैं कि ये तरंगे और उसके खोजकर्ता के बारे में जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम खोजकर्ता जो इनका पिक्चर भी मैंने कोशिश किया लगाने की, तो ये जो लघु तरंगे आप देख रहे हैं जो माइक्रोवेव्स बोलते हैं, तो माइक्रोवेव्स के खोजकर्ता हैं हर्टज हर्टज, और गामा रेज गामा के हैं ये हैं बेकुरल, एक्स रेज के हैं एक्स रेज के रॉन्टजन है रॉन्टजन, फिर इन्फ्रा ये क्या है अवरक्त इन्फ्रारेड इन्फ्रारेड के हर्शेल हैं हर्शेल, फिर जो हमारी दीर्घ किरणें हैं इनके हैं मार्कोनी मार्कोनी, फिर अल्ट्रावायलेट है अल्ट्रावायलेट के रिचर हैं, फिर दृश्य किरणें हैं जो विजिबल हैं उनके न्यूटन हैं, न्यूटन को तो आप सभी जानते हैं, बस इनको याद करने की एक ट्रिक है, इसको ट्रिक देख लीजिए कि लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए, तो लहर गांव के एक राजा को राजा अहमद अहमद को परिदर्शन हुए, तो बाकी चीज़ें हम नहीं लेते हैं, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए, इससे आप याद कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और फिर ट्रिक को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे लहर आप देखे होंगे, लहर लहर नाम का एक गांव है, ये लहर आ रही नदी की, लहर नाम का एक गांव है, लहर नाम का एक गांव है और गांव का एक राजा है ये अहमद, लहर नाम का एक गांव है गांव का एक राजा है ये अहमद, इसको आप देख लीजिए, लहर नाम का एक गांव है गांव में एक राजा है अहमद, उसको क्या होता है एक रात में परी के दर्शन होते हैं, कब लहर गांव के लहर नाम के गांव के एक राजा अहमद को परी के दर्शन हुए, बस लहर नाम के गाँव के राजा को एक परी के दर्शन हुए, बस इसको याद कर लीजिए, बाकी हम अभी देख, तो लहर का आप लघु ले लीजिए, लहर का लघु लघु को लहर लहर का लहर लहर हर टज लहर हर टज लहर हर टज लहर, फिर गांव गांव का गा व गाँव गाँव गामारेज बैकुरल गामारेज बैकुरल बैकुरल, फिर लहर गांव के एक राजा, एक को एक राजा मतलब एक एक्स एक्स रेज और राजा का रॉन्टजन, राजा आप पिक्चर भी देख सकते हैं रॉन्टजन, ठीक है, को राजा एक राजा अहमद आहा आहा मतलब अवरक्त किरणें यानी जो इंफ्रारेड होती हैं अवरक्त किरणें अवरक्त किरणें और हर्सेल आहा, फिर आहा फिर मह जो अहमद को हम दम लिखते हैं, ठीक है दम, तो दीर्घ किरणें मार्कोनी दीर्घ जो दीर्घ किरणें होती हैं मार्कोनी, ठीक है, और परावैग्नि किरणें जो रिचर रिचर मतलब परी के दर्शन हुए रिचर परावैग्नि अल्ट्रावायलेट रिचर, ठीक है, फिर जो विजिबल होती हैं दर्शन 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 न्यूटन, ठीक है, ये रही हमारी ट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स, ये रही ट्रिक और आप बने रहिए और देखते रहिए, फिर हम आगे और ऐसी ट्रिक लाते रहेंगे, आप समझते रहिए, ये एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर आपका कन्फर्म करा देगी यूपी पीसीएस एसएससी रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में। थैंक यू।